subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So hi guys, very good morning, good afternoon, good evening, जिस भी टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों, लास्ट जो हमारा पार्ट वन वीडियो था इंडाइसेस का, उसमें हमने सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट किए थे और जितने भी एग्जांपल्स आपके एमएल अग्रवाल में, हमने वो सारे के सारे खत्म किए थे। तो इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। जी हाँ, एक्सरसाइज 2.1 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो वीडियो में, क्योंकि नहीं तो एक ही में सारा वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जो आपको भी मजा नहीं आएगा। तो चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.1। बहुत ही छोटा सा और अच्छा सा एक्सरसाइज है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा आगे भी आने वाले, एंट्रेंस एग्जाम सीए हो गया, फाउंडेशन, सीयूटी, सब जगह आपको बेटा काम देने वाले हैं। तो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं हमेशा बोलता हूँ ये टॉपिक मार्क्स लाने के लिए बनाया गया है। तो अच्छे से पढ़ते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम योर बुक एमएल अग्रवाल। तो बेटा सबसे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में रूल्स पढ़ लिया है, तो आओ रूल्स को लगाते हैं और मजेदार आंसर निकालते हैं। तो 81/16 टू द पावर -3/4। तो गाइस जब भी पावर माइनस में होना, सबसे पहले उसको कोशिश करो ना प्लस में कर लेने का। तो अगर हम इसको प्लस में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको प्लस में करोगे, पावर को प्लस में करना है, तो ये हो गया बेटा 3/4, ये प्लस में आ गया हमारे पास। ओके ओके सर, अब देखो यहां पर हम लोग 16 और 18 को, क्या हम लोग इसका किसी को पावर क्रिएट कर सकते हैं 16 और 18 का? तो आपको दिखाई देगा, जी सर, 16 को वी कैन राइट 2 का पावर 4 एंड 81 को वी कैन राइट 3 का पावर 4, और आपको कुछ इस तरीके से माहौल दिखाई देगा 3/4। अच्छा, मैंने हमेशा बोला गाइज, जब भी आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्लीज उस प्रॉपर्टी को अपने आंसर में लिख दीजिए। जब आप एंट्रेंस एग्जाम या सीयूटी दोगे या सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन दोगे, उसमें ये प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है। लेकिन क्योंकि आपने अभी एक स्कूल एग्जाम में पढ़ना है, तो स्कूल लेवल पे आपको इसको प्रॉपर्टी को लिखने की आदत होनी चाहिए। चलो यहां पर हमने ये लिख दिया, उसके बाद आ जाओ यार, थोड़ा सा स्पेस कम है तो हम लोग यूज करेंगे इसी को। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा यहां पर 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 4 है, पावर सेम है ऊपर भी, डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर में दोनों में पावर सेम है। तो क्या हम पावर को एक साथ लेके कॉमन लिख सकते हैं? क्या हम लोग इसको 2/3 का पावर डायरेक्टली लिख सकते हैं? 4, यस सर। और इस होल का पावर क्या है? 3/4। और आपने लास्ट वीडियो अगर देखा है तो अब यहां पर आपको पावर का पावर, मतलब पावर है यहां पे और उसका होल, इस होल का पावर है, तो आपको पता है क्या करना है। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग पावर्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 4 × 3/4। अब आपको दिखाई दे रहा हो बेटा, कैंसिल होगा, 4 कैंसिल, 2/3 इस होल का पावर हो गया हमारे पास 3, एक्सपैंड कर देंगे तो दिस विल बी 8/9, 339 and 27। तो हमारा सबसे पहला आंसर निकल के आ गया है, बहुत ही शानदार, सिंप्लीफाई हमने कर दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपको इसको सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाइड। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, इसको स्पेस खाली करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आप ध्यान से देखो, आपको इसको अगेन सिंप्लीफाई करना है, बड़ा आसान सा है। देखो क्या दिया हुआ है, दिस, आपको यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में पावर्स लगाना है, सॉल्व करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हटा दो, उसको लिखो 64 × 164 + 61, ये हो जाएगा 5/2, 125/64 टू दी पावर -2/3। ओहो, फिर से पावर यहाँ पे रेसिप्रोकल है, मतलब पावर नेगेटिव है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 64/125, ठीक है। पावर हमने यहाँ पे कर लिया बेटा पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारे पास पावर 2/3। अब आपको पता है, आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर में पावर है 3, तो अगर पावर 3 में, कोशिश करो क्या तुम 64 को और 125 को किसी भी नंबर के पावर में 3 में ला सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ सर, हमें तो याद है। क्या 4 × 3/5/3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके आगे का स्टेप आप समझ गए होगे, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किया था, इनका पावर को बेटा आप कॉमन ले लो, 4/5 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय होल का पावर 2/3, और आप आराम से इसका आंसर आगे फिर निकाल देंगे। मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप पे निकालोगे। ओके सर, चलिए। तो बच्चों, तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और काफी काम आने वाला क्वेश्चन है आपके लिए। क्या बोल रहा है, 3a/b का पावर -1, ओहो पावर -1 में, ठीक है जी, +2b/a का पावर -1, ये भी पावर माइनस में, आ जाओ जी इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो पावर है उसको हटा के
उसका रेसिप्रोकल लिखो 1/b। और आप ये बात जानते हो बेटा, हम इसको 1/b, चलो पहले लिखते हैं, रेसिप्रोकल को हमने यहां पे चेंज किया, इज इक्वल्स टू, अब ये जो बेटा बी है, ये जो बी है नीचे में डिनोमिनेटर में आ रहा है 1/, फ्रैक्शन में ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये जानते हैं हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो ये बेटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 3ab, बी मल्टी चला गया ऊपर न्यूमिरेटर में। सिमिलरली यहां पे जो नीचे में ए है ये कहां चला जाएगा, ये भी जाएगा ऊपर में, तो ये भी बन जाएगा 2ba। अब यहां पे 2ba लिखो या फिर 2ab लिखो, बात तो बराबर है, जी हाँ कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर दिया हमने, आंसर आपके सामने है। सर इतना आसान होता है क्या? और क्या, बहुत आसान होता बेटे, क्वेश्चन देख के डरा मत करो, आराम से इंडेक्सेस का जो आपने पार्ट वन वीडियो है उसको पहले अच्छे से देखो, नहीं देखा आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहिए, देखिए उसको और उसके बाद इसको लगाइए बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो जी आ जाओ इस क्वेश्चन में आते हैं पार्ट टू में, 5 to the power 0 into, अच्छा देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है। बोलो, पहले तो आपको बचपन से आपने एक रूल पढ़ा है, क्या रूल है, नाम क्या है उसका, बोर्डमास, ठीक है। सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे इक्वेशन में, डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, चलो बोर्ड मास लगाओ तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करो। नाउ 5 का पावर 0 तो क्या हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 का पावर माइनस में तो हो जाएगा 1/4, प्लस 8 का पावर 1/3 तो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 1/3। नाउ दिस, चलो जी यहां पे आ गया ये 1/4 प्लस 3 का पावर मल्टीप्लाई, पावर्स मल्टीप्लाई हो गए यहां पर, जी हाँ पावर्स हुए कैंसिल, 3 3 कैंसिल तो क्या बचा, 1/4 plus 2, निकाल दो एलसीएम, 4 4 2 8 और 9, आंसर आ गया हमारे पास 9/4। और हो सकता है आपके किताब में एमएल अग्रवाल में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दिया होगा, तो आप इसको और अगर सिंप्लीफाई करने बोला है तो आप लिख सकते हो, तो 4 2 8 plus 1 9, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं बेटे, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर सिंप्लीफाइड करने बोला तो सिंप्लीफाई कर दो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है सर जैसा आप बोले। चलो बेटे आगे चलते हैं, वाह कितना आसानी से देख रहे हो, एक्सरसाइज खत्म हो सकता है, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर थ्री में 8 divided by 125 to the power, सबसे पहले पावर को प्लस कर लो, आपको जिसमें कंफर्टेबल आप वो करें, लेकिन अगर आप पहले पावर को प्लस में कर लेंगे रेसिप्रोकल आसान हो जाता है। चलो यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय 3 है, तो आप ऐसा कोई भी नंबर सोच सकते हो कि 125 और 8 को उसके पावर 3 में लाया जा सके, आप बोलोगे जी हाँ सर 5 का पावर 3 divided by 2 का पावर 3, ऐसा हम जानते हैं बिल्कुल सर, ये तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। देखो यहाँ पे है 5 का 3 और यहाँ भी है 2 का 3, तो क्या हम इसको पावर को कॉमन लेके लिख सकते हैं, एक साथ लिख दे, जी हाँ, तो 5/2 का पावर 3 और इस होल का पावर 1/3। चलो जी सॉल्व होते हुए दिखाई दे चुका अब आपको क्वेश्चन, पावर्स हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 10 10 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, क्या बचेगा अब 5/2, इतना आसान है बताओ, इतना आसान है, चलो मुझे तो बनाना ही नहीं चाहिए था, क्या करूं बच्चों, आ जाओ जी आते हैं इसके पार्ट टू में, पार्ट टू भी बड़ा आसान देखने में, देखो इंडाइसेस के जो इंडेक्सेस, जो भी बोलो यार, मैं तो इंडाइसेस बोलने मजा आता मुझे, इंडाइसेस के जो क्वेश्चन हो ना देखने में बहुत खतरनाक होते हैं, जब आप सॉल्व करने जाते हो तो बोलते हैं ये होता ना दिवाली में फूस फूस वाला बम, वैसा क्वेश्चन हो जाता है कभी। देखो यहां पर लिखा है 0.027, तो बेटा आपको पता है ना पॉइंट को अगर आपने हटाना है तो नीचे में डिवाइड कर दो, जितना डेसिमल 1 2 3 तीन डेसिमल है तो नीचे में भैया एक के आगे में 3 0 लगा दो, ये आप जानते हो बचपन से, फिर भी मैं बोल रहा हूं। चलो जी आप 0.027 डेसिमल दिया, पहले क्या काम करोगे, डेसिमल को हटाओ, क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई बना सकते हो और बना लो, तब इंडेक्सेस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है सर जैसा आप कहे। आ जाओ आगे, ये हमने कर लिया पावर्स, अगेन कोशिश करो पावर को हटा के पॉजिटिव कर लेने का, 1/3 कर लिया आपने, अब आप जानते हो यहां पर क्या है, यहां पे है 3, तो आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसका आप पावर 3 में ला सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 10 का पावर 3, 27 को 3 का पावर 3 और इस होल का पावर 1/3, ये आपने लिख लिया। चलो बच्चों अब यहां पे क्या है, वही केस, पावर सेम है, बेसिस अलग है, क्या उनको कॉमन बनाया जा सकता है, बिल्कुल 10/3 इस होल का पावर 3 और फिर इस पूरे का पावर 1/3। अब आपको पता है पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, कैंसल आउट होके बेटा आंसर आ गया 10/3। 10/3 को आप हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 3 3 is 9 plus 1,
3, 1/3 हमारा आंसर हो गया। बहुत मजेदार आंसर खत्म हमारा एक्सेस क्वेश्चन नंबर 3। देख रहे हो क्या स्पीड से बन रहा है, ऐसे ही स्पीड से पढ़ो। ठीक है सर, चलो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 चलो देखते क्या है। 8 to the power -, में पावर है, फिर डिवाइडेड, ओहो ध्यान देना यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2। चलो, और इस होल का पावर 1/2। सबसे पहले आपको साफ साफ दिखाई देगा कि क्या आप बेस को, यहां जो 8 है, क्या आप इसको 2 के परस्पेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे यस सर, कैसे कर सकते हो बेटा। तो 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3, यहां पर है पावर -4/3, अभी रहने तो पावर। अच्छा देखो, ये जो डिवाइड है ना, इस डिवाइड को अपन एक काम करते हैं, डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं, 2 का पावर -1/2। डिवाइड का साइन था, लिख लिया हमने डिवीजन के फॉर्मेट में। और इस होल का पावर क्या है, इस होल का पावर है 1/2। आ जाओ सॉल्व करो, यहां पर आपको कैंसिल होते हुए दिखाई देगा, 3 -4/3 × 2 का पावर -2, और ये हो गया इधर 1/2। चलो यहां पर आप क्या करोगे, कैंसिल आउट, 3 कैंसिल, तो 2 का पावर -4 / 2 का पावर -2, इस होल का पावर 1/2। बच्चों ध्यान से देखो, a to the power m प्रॉपर्टी कौन सा लग रहा है यहाँ पे, a to the power m / a to the power n, बेस सेम है, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी लगा। बिल्कुल, अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत मजे की बात है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, क्या हो सकते हैं ये, a का पावर m - n। बस इतना समझ डाला तो लाइफ आगे समझ गए होगे। चलो जी, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, वापस आ गया, इसको क्या लिखेंगे डायरेक्टली, जगह नहीं है, नीचे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 2 का पावर आपको बेटे माइनस करना है, तो -4 - -2, और इस होल का पावर ऊपर चल ही रहा अभी तक 1/2। चलो सॉल्व करते हैं इसको, जगह नहीं है तो मैं यहीं पे सॉल्व करूं, क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, ये -(-+2) हो जाएगा, तो -4 + 2, यहां पे देखो -(-) क्या होगा, +2 हो जाना, तो -4 + 2 क्या होगा, 2 का पावर -2, और इस होल का पावर 1/2। पावर्स होंगे मल्टीप्लाई, -2 × 1/2 कैंसिल, तो 2 का पावर -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 का पावर -1 को आप बोलोगे 1/2। बस इतने में आपका क्वेश्चन हो गया है खत्म। ठीक है, ठीक है सर, चलो पॉज करो, जल्दी से नोट डाउन करो। अच्छा, ये वीडियोस को अगर आप नेटफ्लिक्स एंड चिल और एक डिज्नी हॉटस्टार का वीडियो की तरह देख रहे हो तो बेटा कोई फायदा नहीं है, कॉपी निकालो, किताब निकालो, किताब सामने होना चाहिए, कॉपी सामने होना चाहिए, तब बनाया करो बेटे, सीखने के लिए पढ़ रहे हम लोग। ठीक है सर, टाइम का इज्जत करो, वक्त तुम्हारी इज्जत करेगा। सर आगे बढ़िए, चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 पे क्रिएट करते हैं। आ जाओ, दिया हुआ आपको कुछ बहुत सारा नंबर दे दिया है, चलो सिंप्लीफाई, कुछ नहीं करना बेटे। यहां पर क्या है, नीचे में है 3, तो ऐसा नंबर में आप पावर 3 लाना आपको, तो क्या जानते हो आप, 3 का पावर 3, यहां पर 2 का पावर 3, ये हो गया 2/3 माइनस, यहां पर बेटे पावर आपको दिया हुआ है नेगेटिव में। चलो भैया, सबसे पहला काम पावर को पॉजिटिव कर लो, तो आपने रेसिप्रोकल कर दिया, +5 का पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0, ये हो गया 1। आ जाओ जी, यहां पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, जी हाँ, और इस होल का पावर क्या है, 2/3 माइनस है 4 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर चाहे तो अपन यहां पे ओपन कर देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे जाके सॉल्व हो सकता है, तो अभी इसको छोड़ दो, देखते हैं, रहने दो इसको, यहां पे इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3/2, फिर 3 × 2/3 माइनस 4 का स्क्वायर + 1। ठीक है सर, चलो यहां तक आप नोट करो, ठीक है, यहां पे आया, उसके आगे देखते हैं, 3 यहां पे बेटा हो रहा है कैंसिल, तो क्या बचा, 3/2 का पावर है 2 माइनस 4 का पावर है +10। चलो अब कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, सिंप्लीफाई कोई मुझे नहीं लग रहा प्रॉपर्टी लगेगा, अब हम लोग उसको ओपन कर देते हैं पावर्स को, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/4 - 16+1। अब इसको बस आपने सॉल्व कर देना है, और जो भी आंसर आएगा आपने इसको लिख देना है, हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का, जो इंडेसेस का जितने क्वेश्चन होते हैं गाइज, आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज लगाना, अगर आपको वो पता है आपको कोई नहीं रुक सकता है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए
आ जाइए क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव इट सेज समथिंग समथिंग। चलो अब यहाँ पे देखो दोनों क्वेश्चन में अपन एक क्वेश्चन लगाएंगे, सारा क्वेश्चन बराबर ही दिख रहा है दोनों के दोनों। तो आज जो क्वेश्चन नंबर फाइव मैं लगाता हूं और क्वेश्चन नंबर टू आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आप आराम से अपने से लगाओगे। चलो जी क्या कह रहा है समथिंग समथिंग में, थ्री का पावर टू और उसका पावर जीरो। तो भैया यहाँ तो टू इंटू जीरो होने वाला है, वेरी गुड। यहां पर है थ्री का, अच्छा इसको अभी पावर रहने दो, यहीं पे रेसिप्रोकल मत करना। क्यों? क्योंकि थ्री अभी कॉमन, देखते हैं आ सकता है कि नहीं। यहां पे देखो बेटे ध्यान से, थ्री का पावर माइनस फोर, थ्री का पावर सिक्स, ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो क्या यहां पर प्रॉपर्टी लगा दे हम लोग, यहां पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट, तो पावर विल बी एडेड, यस। तो बस ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग लगाने वाले हैं। लगाओ जी यहाँ पे थ्री का पावर माइनस फोर प्लस सिक्स हो गया, प्लस ओहो यहां पर है माइनस टू, पावर है माइनस में, वन बाई थ्री हटाओ जी इसको, करो ऊपर में थ्री का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, ये तो हो गया थ्री का पावर जीरो, प्लस यहां पे आ जाएगा थ्री का पावर प्लस टू, प्लस थ्री का पावर प्लस टू। ओहो अब हमने यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ा है जो प्लस के साथ लगता हो इंडेक्सेस में, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ा है? नहीं जी, प्लस में कोई प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ा। तो चलो भैया कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इसको ओपन करो, नौ नौ अठारह और एक उन्नीस, तो हमारा आंसर आ गया उन्नीस, हमने लगा दिया, खत्म हो गया। अब आप यहाँ पे गलती से क्या गलती कर सकते हो, मैंने करते हुए देखा बच्चों को, आप ना इसको देखो गलती को समझो, इसको प्लस के जगह आप इसको देख लोगे माइनस की तरह, और आप आगे स्टेप लिख दोगे वो पावर स्क्वाड कर देते हैं दिस दिस और ऐसे करके थ्री का पावर फोर और आंसर 81 विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ध्यान देना यहाँ पे ये प्लस है बेटा, मल्टीप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है, तो गलती ना करें देखने में, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इंडेक्सेस का क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक होता है, सिली मिस्टेक्स, ठीक है, आप आराम से तेजी में देखो, अरे मेरे को तो क्वेश्चन देखा हुआ है, बना देते गलती, तो बच के रहना। चलो आगे चलते हैं, पार्ट टू बेटा बहुत सिंपल है, एकदम सिमिलर तरीके में यहां पर आप इसको सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें और आगे बढ़े लाइफ में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स का हम लोग करते हैं, बेटर होगा पार्ट नंबर टू। आ जाओ जी पार्ट नंबर टू, यहां पर प्लस माइनस कुछ है। चलो 81 का पावर है 3/4, यहां पे बेटा पावर नीचे में डिवाइडेड है डिनोमिनेटर में 4। आप कोई ऐसा नंबर जानते हो जिसका पावर आप 3 करो, पावर अगर आप 4 करो तो आंसर आए 81, ऐसा कोई नंबर? जी हाँ, 3 का पावर 4 करोगे तो आंसर आएगा 81। चलो दिखाई दे रहा है सिंप्लीफाइड होते हुए 3/4 माइनस, यहां पे सबसे पहले बेटे इसको पावर जो माइनस में उसको हटा दो, तो ये हो जाएगा 32 का पावर 2/5 प्लस यहां पे है 8 का पावर, 8 को क्या लिख सकते हैं बेटे 2 का पावर 3, देखो ये भी कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है, ओहो मल्टीप्लीकेशन है, 1/2 का पावर है -1, तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर हो गया 1 और 2 का पावर आगे में 0 दिया हुआ है, तो 2 का पावर 0 को इंटू कर देते हैं 1। यहां पे ध्यान देना बेटे, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, बीच में लिखा हुआ है डायरेक्टली, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है सर। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है, 32 है, यहां पर है नीचे में डिनोमिनेटर में पावर 5। कोई ऐसा नंबर जिसका पावर आप 5 जानते हो, कुछ कुछ नंबर्स ना आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जैसे 2 का पावर 5 कितना होगा, 6 कितना होगा, 7 कितना होगा, 3 का पावर अगर आप 3 करो, 3 का पावर 5 करो कितना होगा, 4 का 5 का 6 का, इसका ना याद कर लो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको याद करने के लिए, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4, 2 का 5, इनके पावर्स के वैल्यू जो आएंगे ना बेटे ये आप ना 7 तक याद कर लो, 3 का जो आता है ये मैक्सिमम आप इसको भी 5 तक याद कर लो, ऐसे करके याद कर लो ताकि क्वेश्चन जब लगाओगे तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि किसका किसका पावर लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर, चलिए यहाँ पे आ गया दिस प्लस, यहाँ पे क्या होगा बेटे 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 2 का पावर 1 और यहाँ पे तो 1 हो गया, छोड़ो आओ देखो कैंसिल करते हैं, अब 4 कैंसिल, 3 का पावर 3 माइनस, 5 कैंसिल, 2 का पावर स्क्वायर प्लस दिस कैंसिल, 2 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 1, लिख दो जी सिंप्लीफाई करके, 3 3 9 27 माइनस 4 प्लस 4 4 4 8, ठीक है। ओ ओ ओ ओ
क्या कर दिया, देखो ये गलती नहीं, -4 +4 गया, तो बेटा आंसर क्या बच गया, ओ 27 इज द आंसर। तो हमने आपके लिए बहुत आसानी से बच्चों निकाल दिया है आंसर। यार आसान है, इतना आसान है कि तुम भी बनाओगे जब तुम, मजा आएगा। इंडेसेस के क्वेश्चंस को देखकर बस डरा मत करो, भरोसा रखो अपने बेस पर, प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़े हैं। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। तो चलो बच्चों, वेस्टिंग आवर टाइम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। और मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 2 है, इसमें मैंने कुछ सही लिखा है कि नहीं लिखा है। पार्ट 2 दोनों में से हम लोग एक करेंगे, तो लेट्स चूज जो मुझे सही लग रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, वो करते हैं। आ जाइए जी, देखिए क्या बोल रहा है आपको। ओ रूट है बेटा, जब भी रूट आए तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रूट्स को हटा लेना है। आपको पता है रूट्स को कैसे हटाया जाता है, दिस इज इक्वल्स टू, आ जाओ, 2 का रूट था और 2 के पावर यहाँ पे है, तो चलो इसका हो गया पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 256 का रूट दिया हुआ है 4 में, तो ये हो गया दिस, डिवाइडेड बाई 64 का रूट है 1/3 माइनस, यहां पे बेटे पावर है माइनस में, पावर अगर माइनस में तो हटा दो उसको रेसिप्रोकल करके, 2 का पावर हो गया स्क्वायर, कर दिया जी। जी अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, ओपन करते जाओ ब्रैकेट्स, यहां पे आ गया दिस मल्टीप्लाई बाय, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप पावर अगर 4 लगाओगे, अगर आप 4 लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 256। तो आपको पता होगा बेटा 4 का पावर 4 करोगे तो आंसर होगा 256, डिवाइडेड बाय कौन सा ऐसा नंबर है जिसका पावर करोगे तो आएगा आंसर, पावर अगर 3 करोगे तो आंसर आएगा 64। तो आपको पता है 4 का पावर 3 अगर करोगे तो आंसर आएगा 64 -2 स्क्वायर। बस ये था बेस, आपने बेस अगर तैयार कर लिया है, अब आंसर को आपको कोई नहीं रोक सकता। 2 2 यहाँ पे हो रहे हैं बेटे कैंसिल, तो 2 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बोलेगा बचेगा 4 का पावर 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 3 कैंसिल होगा, तो बचेगा 4 का पावर 1 -2 का स्क्वायर। आ जाओ जी, अब देखो यहाँ पे ऊपर में आंसर क्या आ गया, अच्छा 4 4 कैंसिल, 2 -2 × 2 4, तो आंसर विल बी -2, कर दिया तुमने सिंप्लीफाई इतनी आसानी से, ये भी क्वेश्चन हमने कर दिया फिनिश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से नोट करे बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है सर, चलो बेटा आओ आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है अगर यही क्वेश्चन है तो चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 है बेस में, और यहां पर जो 9 दिया हुआ है आप उसको 3 के टर्म्स में ला सकते हो, पहला पॉइंट, तो हम लोग वो करेंगे। पहले ना क्वेश्चन को देख के सोचा करो कि यार क्या कर सकते हो, ठीक है, ऐसे देख के डरो मत या सीधे घुस मत जाओ कि मेरे को पहले से बनाया हुआ है, हमेशा पहले सोचो, क्रिटिकल थिंकिंग मैथ्स में बहुत जरूरी होता है, तो आपको सोचना है कि बनेगा कैसे, अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को कॉमन लिया जा सकता है, 4 है, 4 को हम 2 के रिस्पेक्ट में ला सकते हैं, यहां भी 2 है इसके रिस्पेक्ट में हम उसको भी ला सकते हैं। अच्छा इनके बीच में कनेक्टिंग फैक्टर क्या है, मल्टीपल, ओ, तो बेटा अगर तुमने बेसिस को सेम कर दिया और किसी भी तरीका से, तो आप एक प्रॉपर्टी लगा पाएंगे, प्रॉपर्टी होगा ये वाला, तो ये वाला प्रॉपर्टी आपको लगाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, बेस को सेम करना है, और बेस आपको दिख रहा है किसका किसका सेम होने वाला है, तो चलो भाई बेस को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। 3 का पावर है, उसको अभी रहने दो, 3 का पावर -6/7 मल्टीप्लाइड बाई 4 को अपन लिखेंगे 2 के टर्म्स में लाएंगे, तो ये होगा 2 का स्क्वायर -3/7। अभी पावर मत छेड़ना, मतलब नेगेटिव वाला पावर मत छेड़ना, क्योंकि बेस को हम सेम बना रहे हैं। यहां पर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 6/7। ठीक है, आगे देखो यहां पर क्या रहा है, 3 का पावर -6/7, ओके यहां पे देखो पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, 2 का पावर यहाँ पे कलर चेंज, यहां पर आपको 2 के पावर्स मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई देंगे बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -6/7, 2 × -3/7 क्या होगा, -6/7 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 3 का पावर 3 × 2 6/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर, ओह अब देखो जी यहाँ पे 3 है बेस, यहाँ पे 3 है बेस, क्या पावर्स एड हो सकते हैं अब, जी हाँ, उसके बाद यहां पर बेस है 2, यहां पे बेस है 2, पावर्स ऐड हो सकते हैं, जी हाँ, तो करिए ना, 3 का पावर -6/7 प्लस यहां पे क्या है, ओ ये तो पूरा ही उड़ जाएगा, 2 का पावर -6/7 प्लस यहां पे क्या है,
6/7 ये भी पूरा उड़ जाएगा, तो हो जाएगा ये 3 का पावर, देखो 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर, सॉरी 2 का पावर 0, तो आंसर क्या आ गया? देखो जी, इतना अजीब सा उल्टा पुल्टा अट्टा पट्टू क्वेश्चन इतने आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, बुझता है आपको कि इंडेक्सेस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बस बच्चों पॉज करें वीडियो को और इसको अच्छे से नोट करें। एंड ऑलवेज माइंड इट, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सोच पाना कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे। बहुत भारी लाइन है मैथमेटिक्स में, जितना जल्दी आप ये चीज समझ जाओगे उतना जल्दी आपको मैथ्स आसान लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अबाउट थिंकिंग, नोइंग कि वो बनेगा कैसे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक तरीका से बनता नहीं है, दो तीन तरीका से आप सॉल्व कर सकते हो मैथ्स में, ठीक है सर, समझ गए। चलो बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत प्यार से देखेंगे, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो यार, दोनों में मैं पहले वाले के बारे में बात करूंगा, ऐसे आपको तो खुद करना है। यहां पर मल्टीप्लीकेशन, जहां आपको मल्टीप्लीकेशन दिखा कोशिश करो बेस को सेम बनाया जा सकता है कि नहीं। 32 को आप 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, सबका बेस सेम हो गया, तो a into m a to the power m into, मतलब पहले वाला प्रॉपर्टी आप लगा देंगे, ये प्रॉपर्टी लग गया न्यूमिरेटर में। सबसे पहले डिनोमिनेटर में आते गाइस, यहां पे देखो बेस यहां पे 2, यहां पे 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 6 लिख सकते हो, तो यहां भी बेस सेम हो गया और ये डिवीजन का साइन है, तो ये क्या होगा a to the power m divided by a to the power n, तो यहां पे हो जाएगा m-n। तो बेटा आपको हिंट दे दिया मैंने, अब आपको ये समझ में आ गया है, मल्टीप्लीकेशन हो डिवीजन हो कोशिश करो बेस को सेम लाओ, ला पाते हो, क्वेश्चन खत्म। चलिए तो ये आपके लिए हिंट मिल चुका है, आइए अब हम करते हैं उससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर पार्ट 2। क्या लिखा है, 5 का पावर 2 इन 2, ध्यान से देखना क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ने में आधा गलती हो जाता कभी कभी, 2 का पावर 5 का पावर 2 2 इन 2 x प्लस 6, 25 का पावर है -7 प्लस 2 6, 125 का पावर 2 x। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप इस 25 को 5 के टर्म्स में ला सकते हो, 5 का स्क्वायर 25, 125 को आप लिख सकते हो 5 का क्यूब, ये भी आ सकता है 5 के टर्म्स में। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, एक काम करते हैं ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2x प्लस 12 हो जाएगा ये पहला वाला, मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर लिखते हैं इसको, और ये आएगा, इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़िया लिख लेते हैं, ठीक है 2x आगे लिख लेते हैं, -7 बाद में, डिवाइडेड बाय यहां पे लिखते हैं 5 का क्यूब, और दिस इज 26। चलो ये स्टेप आपने कर लिया अगर, तो भैया क्वेश्चन तो खत्म ही है फिर, थोड़ा सा छोटा जगह बनेगा। चलो यहां पे स्टेप आ गया, आ जाओ जी 5 का 2x प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो बेटा यहां पे 2 है और यहां पे इसका पावर है, तो क्या पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, तो क्या लिखोगे 2 into 2 4x - 7 into 2 14, ये आ गया ऊपर में, डिवाइडेड बाय नीचे में आ जाते हैं 5 का पावर, यहां भी मल्टीप्लाई 3 into 2 6x, ठीक है। अब देखो ऊपर में गाइस, यहां पे 5 5, यहां के पावर्स को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, नीचे में है 5 बेस में और उसका पावर है, तो ये तो डिवाइड होना चाहिए, तो एक ही बार में विदाउट, चलो ये एक बार में आप अलग अलग करना चाहते हो वैसे भी कर लो, 5 का पहले ले लो 2x प्लस 12, 4x, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आप इसको एक ही बार में कर सकते हो, और प्रैक्टिस वैसे ही करो कि आप थोड़ा सा, हाँ एग्जाम लेवल में स्कूल लेवल पे आपको जो टेस्ट देने, बोर्ड लेवल पे आप डिस्क्रिप्टिव लिखो, सब्जेक्टिव होता है कॉम्पिटिटिव में, वहां पे प्रैक्टिस बनाना। चलो तो देखते हैं यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस, ये हो जाएगा 6x प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 6x, ठीक है। अब ये a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n है, तो पावर्स को अप कर दो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, खत्म हुआ, तो 6x प्लस और 6x माइनस में ये कैंसल आउट, 5 का पावर -2, और बच्चा बच्चा जानता है रेसिप्रोकल करेंगे और आंसर हो जाएगा बच्चों 1/25, और हमने बहुत ही आसानी से इसका भी क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, इसको फटाक से नोट करो, पॉज करो और बना डालो, ठीक है सर। चलिए आ जाते हैं आगे, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ओहो बहुत ही भयंकर दिखने वाला क्वेश्चन, आपने बहुत आसानी से सॉल्व करना है। x टू दी पावर m दिया हुआ है डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n और इस होल का पावर l, तो एक काम करते हैं जो पावर्स इसको ओपन कर देते हैं, l जो है
ये हो जाएगा एक्स इंटू एम इंटू एल डिवाइडेड बाई। अच्छा सबसे पहले, इसके पहले अगर आप समझने में दिक्कत है, मैं आपको चलो स्टेप नहीं छोड़वाता हूं, ये भी लिखवा देता हूं। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर एम इसका पावर एल डिवाइडेड बाई एक्स का पावर एन एक्स का पावर एल। बोलो कैसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अरे यही स्टेप से तो कॉमन ये बना होगा। यहां पर ऊपर में भी आपका पावर एल है न्यूमिनेटर का, नीचे में डिनोमिनेटर का भी पावर एल है, तभी तो कॉमन लिया होगा। अच्छा जी हाँ, देखो यहां पर अगर ये सिचुएशन आपको समझ में आ गया तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली बना देते हैं ये वाला आपके लिए। चलिए एम इंटू एल डायरेक्टली लिखेंगे, नीचे में इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट का लीवेज लेते हैं बेटा, इसको डायरेक्टली लिखेंगे एम इंटू एल और x का पावर यहां पे n इंटू एन इंटू एल। कैसे किया हमने ये आपने समझ लिया इसके पहले। आगे आ जाओ, यहां भी सेम चीज लगेगा, पावर इसके मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू एन हो जाएगा डिवाइडेड बाय x का, यहां पे l है यहां पे पावर m है, तो ये हो जाएगा l इंटू एम मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर l और n मल्टीप्लाई x का पावर l इंटू एम डिवाइडेड बाय x का पावर m इंटू एन। अब देखो यहां पर प्यार से बहुत आसानी से एक ही स्टेप में सारा क्वेश्चन खत्म। कैसे? x का पावर एम एल एक्स का पावर एम एल एल एम, अरे एल एम बोलो या एम एल बोलो, दोनों बात बराबर है। तो देखो ये दोनों को दोनों आपको कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद x का पावर यहाँ पे एन एल, यहाँ पे x का पावर है एन एल, कहीं पे नहीं आ रहा, कुछ मिस्टेक किया। अच्छा यहाँ एन होना चाहिए, देखो यही सब गलती है। चलो जी, अब यहां पर आपका x का पावर एन एल, यहां पर x का पावर एल एन, दोनों बात बराबर कैंसिल, यहां पे x का पावर एम एन एक्स हो, चलो खत्म, सब हो गया है खत्म, कैंसिल आउट, तो आंसर बन गया है वन। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट वन, इतना बड़ा भयानक अच्छा दिखने वाला क्वेश्चन, देखो आंसर इतना आसान, यही खास बात है बेटे इंडिसेस की, यही खास बात है। आ जाओ इसके इस क्वेश्चन को देखो बेटा, अब ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है, देखते हैं कैसे बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, पावर्स को पावर्स दिए हुए हैं, होल में भी पावर्स है, तो क्या पावर्स को अलग अलग कर सकते हो आप? जी हाँ बिल्कुल। तो अगर आप इसको लिखोगे x का पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अलग अलग कर दे, नीचे में भी x का पावर a माइनस बी, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। सिमिलरली अच्छा अभी इसको थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हैं, देखो x का पावर यहां पर आपको दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डायरेक्टली लिख दे क्या यहीं पर? इसका फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है? जी हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दे दिया आपको। अरे तो चलो यहीं पर स्टेप को थोड़ा सा बचाते हैं वीडियो का लेंथ कम रखने के लिए, और लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओहो मजा आ गया, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो यहां पे बेटा b प्लस सी है और यहां पे है b माइनस सी, तो अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्टली लिख देते हैं यहां पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऊपर में। नीचे में आ जाओ x का पावर, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं x का पावर a इंटू बी माइनस सी। अच्छा ओहो यहां पे कुछ मिसिंग है, a है यहां पे, यहां पे b है, तो यहां पे c होना चाहिए था। गाइस क्वेश्चन को करेक्ट कर लो प्लीज, यहां पे c होना चाहिए था, तो इसको हटा के अपन यहां भी लिख देते c इंटू ए माइनस बी। अब ठीक है आगे आ जाओ लास्ट वाले में, यहां पर गाइस है c प्लस ए और यहां पे है c माइनस ए, तो क्या ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, तो लिखेंगे x का पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई c माइनस ए। चलो तो सबसे पहला स्टेप बच्चों हमने यहां पे ये किया है बहुत आसान से, अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए। ऊपर में आ जाओ, एक काम करो नीचे में पूरे जो डिनोमिनेटर है उसको एक ऐसे करके बड़ा सा बनाते हैं, x का पावर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x का पावर है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x का पावर है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है सर, नीचे पे डिनोमिनेटर्स को देखो, ब्रैकेट्स को ओपन करो, पावर्स को मल्टीप्लाई करो, यहां पे बेटा ये c मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी से, तो क्या लिखेंगे x का पावर सी ए माइनस सी बी या बी सी मल्टीप्लाइड बाई x का पावर ए बी माइनस ए सी मल्टीप्लाइड बाई x का पावर बी सी माइनस ए सी। ठीक है, तो हमने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में आराम से इसको कन्वर्ट करके लिख दिया है। अब देखो ऊपर में बेटे ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर वन बेसिक, x यहां भी है x यहां भी है x यहां भी है, तीनों जगह में बेस बेटा सेम है, बीच में आपको यहां पर लगा हुआ है
मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो क्या पावर्स ऐड होंगे अगर बेस सेम है तो? जी हाँ बिल्कुल, सिमिलरली नीचे में देखो बेस एक्स है तीनों का बेस क्या है, एक्स है, तो नीचे में बेस सेम है, बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लीकेशन, तो क्या नीचे में भी पावर्स ऐड होंगे डिनोमिनेटर में? जी हाँ बिल्कुल, तो चलिए पावर्स को ऐड कर दीजिए। एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे में आ जाओ यहां भी ऐड करो, एक्स का पावर सी ए माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी, ठीक है पावर्स ऐड कर रहे हैं हम लोग लास्ट का, प्लस बी सी माइनस ए सी, और अब आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, ऊपर का पूरा साफ हो गया, ठीक है। सिमिलरली नीचे में देखो, आ जाओ एक्स का पावर हो गया ऊपर में जीरो, आ जाओ नीचे में देखते हैं, यहां पर प्लस ए सी, यहां पर माइनस ए सी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, और यहां पे कुछ हमने पावर्स में गलती किया है क्या, ए बी नहीं आया था, ए बी कहीं पे आना चाहिए था, ओ ओ ओ यहाँ पे ए बी है, ठीक है, और लास्ट वाला ए सी दो बार आ गया। अच्छा देखो यहां पर गाइस ये माइनस ए सी नहीं होगा बच्चों, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था ना, तो बी सी माइनस ए बी होना चाहिए था, अरे यहां पर बी सी माइनस ए बी, देखो ये ध्यान देना आपने भी। चलो अब ये हो गया है सही, तो लास्ट में यहां पर क्या होना था, यहां पे होना था हमारे पास लास्ट में माइनस ए बी, ये अब सॉल्व करो तो प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, प्लस ए सी माइनस ए सी यहां से कैंसिल, तो अब बचेगा बच्चों एक्स टू दी पावर जीरो। पता है आपको आंसर क्या आ गया, इतना सिंप्लीफाइड वर्जन। अब यहां पर इन क्वेश्चनों में आपको बस यही ध्यान देना है पावर्स को ठीक से यूज करो यार मल्टीप्लीकेशन, नहीं तो सिली मिस्टेक हो जाती है। अगर आप बहुत होशियार हो तो आप सिली मिस्टेक को खोज पाओगे बहुत आसानी से, जैसे हमने अभी खोजा लाइव, तो यहां पर हमने मिस्टेक कर दी थी तो इसको हमने ठीक कर लिया, बी सी माइनस ए बी था, यहां पे आ गया हमारा बी सी माइनस ए बी, क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, चलिए चलते हैं वीडियो के आज के आखिरी क्वेश्चन में, इस वीडियो का, ये वीडियो का आखिरी, अगले वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे 11 से जो भी 18-19 क्वेश्चन है। आइए प्रूव द फॉलोइंग आपसे मांग रहा है, दिस इक्वल्स टू दिस, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, तो चलो बच्चों एलएचएस को पकड़ते हैं हम लोग, एलएचएस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस वन प्लस बी माइनस वन, ठीक है आ जाओ रेसिप्रोकल होगा ये, और यहां भी रेसिप्रोकल होगा, तो ए का माइनस वन वन बाई ए वन बाई बी, ये हो गया जी यहां पे ए प्लस बी, ए बी को ले लो कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगा बी प्लस ए, ओ ओ ये तो बहुत ही भयंकर आसानी से सॉल्व हो गया, ए प्लस बी बी प्लस ए कैंसिल खत्म, तो बचा क्या ए वन बाई ए बी इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, आसान है जी हाँ, ठीक है बड़ा सारी से क्वेश्चन दिख रहा था बहुत मजेदार और बन गया बहुत आसानी से, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ इसके पार्ट टू पे आते हैं बच्चों, पार्ट टू देखो ये भी कुछ अच्छा सा दिख रहा है, चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके। ऊपर में x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई सब का पावर माइनस में दिया हुआ, तो सबसे पहले बच्चों माइनस में अगर पावर्स दिए हुए हैं तो उसको आपने हटाना है और उसको प्लस कर लेना है। एलएचएस में आते हैं डायरेक्टली x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई ये होगा वन बाई एक्स और ये होगा वन बाय वाई, तो तब देखो यहां पर बेटा ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है तो x का पावर माइनस वन वाई का पावर माइनस वन, तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया है, तो ये हो गया वन बाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई यहां पे हो जाएगा वाई जेड, आगे हो जाएगा आगे में जेड एक्स, ठीक है तो ये हमने तीन स्टेप अपना यहां पे खत्म किया। आगे आ जाओ जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नीचे में देखो बच्चों यहां पे एक्स वाई है रेसिप्रोकल में, यहां पे वाई जेड है, यहां पे जेड एक्स है, क्या हम इसका एलसीएम ले सकते हैं? तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ले सकते हैं, तो एलसीएम विल बी एक्स वाई जेड। अब देखो पहले वाले में यहां पर एक्स वाई है क्या नहीं है, यहां पर एक्स वाई है जेड नहीं है तो लिखेंगे जेड प्लस, यहां पर वाई जेड है और क्या नहीं है एक्स तो लिखेंगे एक्स प्लस, यहां पर जेड एक्स है क्या नहीं है तो यहां पर नहीं है वाई, ओ ओ। अब आपको देखो ध्यान से ये जो एक्स वाई जेड डिनोमिनेटर में डिविजन के फॉर्मेट में ये कहां जाने वाला है, ये तो चला जाएगा न्यूमिरेटर के पास, तो चलो भेज देते हैं न्यूमिरेटर के पास, तो ये जाएगा न्यूमिरेटर में, तो ऊपर में बचा x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई
एक्स, अच्छा जेड प्लस एक्स जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये एक्स वाई जेड ऊपर चला गया, तो बच्चों क्या आंसर आया, एक्स वाई जेड कैंसिल, आंसर इज एक्स वाई जेड विच इज गिवन एज आर एच इज हेंस प्रूव्ड। तो हमारा ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बच्चों खत्म हो जाता है। कितना अच्छा दिख रहा था क्वेश्चन, कितना धांसू दिख रहा था, और देखो कितने आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया, लगा डाला क्वेश्चन को। ठीक है तो बच्चों इस वीडियो में बस यहीं तक, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसमें आगे हम लोग आगे के क्वेश्चन लगाएंगे 11 to 18। तब तक भी आपने, मैं उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा। यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करो, या चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया तभी आप वीडियो देख रहे होगे, नहीं किया है तो जल्दी करो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।